हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आईपीएल 2020 के लिए सारी टीमें अब यूएई में क्वारंटीन उनका ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है और उस क्वारंटीन के जस्ट बाद हमें सारी टीमें नेट प्रैक्टिस करते हुए नज़र आने वाली हैं और आईपीएल 2020 के रिगार्डिंग अब फॉरेन प्लेयर से रिलेटेड भी उनके ट्रैवल से लेकर और उनकी रिप्लेसमेंट को लेकर काफ़ी बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स निकल कर आना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज भी इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसी ही बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ जहाँ पर सारी आईपीएल टीमें अपनी अपनी रिप्लेसमेंट को घोषित कर चुकी हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग सारी बातें पूरी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हैं जिससे मेरी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब अगर आप लोग चैनल के ऊपर लगातार एक्टिव हो तो मैं आपको पिछली काफ़ी सारी वीडियोस से बता रहा हूं कि किस तरह से बीसीसीआई ने सारी टीमों को बोला था कि वो 24 प्लेयर्स के स्क्वाड को लेकर यूएई जाएंगे और वहां जाने के बाद कोई भी रिप्लेसमेंट की इजाज़त किसी भी टीम को नहीं दी जाएगी। लेकिन इस प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया था जब बीसीसीआई को ये पता चला कि जो फॉरेन के प्लेयर्स हैं वो एक साथ ट्रैवल नहीं कर पाएंगे भारतीय प्लेयर्स के, तो उन्होंने इस डेट को एक्सटेंड कर दिया था। उन्होंने बताया था सारी फ्रेंचाइज को कि जैसे ही ये फॉरेन के प्लेयर्स ट्रैवल करते हैं यूएई को, उनके साथ ही रिप्लेसमेंट वाले प्लेयर्स भी ट्रैवल कर पाएंगे, तो उतना टाइम है सारी फ्रेंचाइज के पास रिप्लेसमेंट को करने का। और क्योंकि हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के भी कुछ प्लेयर्स अभी तक यूएई नहीं पहुंचे हैं, तो अभी भी रिप्लेसमेंट वाला जो फेज है वो पूरी तरीके से ऑन है। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन सी टीमें यहाँ पर रिप्लेसमेंट की प्रक्रिया को पूरा कर चुकी हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर नाम निकल कर आता है दिल्ली कैपिटल्स की टीम का। दरअसल डीसी की टीम से क्रिस वोक्स, उनके साथ ही जेसन रॉय अपनी अनअवेलेबिलिटी का रीज़न दे चुके हैं कि वो लोग आईपीएल 2020 में अवेलेबल नहीं रह पाएंगे और उनके लिए यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स ऑलरेडी रिप्लेसमेंट कर चुकी है। और साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर एनरिक नॉर्डजे को ये अपनी टीम में शामिल कर चुके हैं जो कि 150 किलोमीटर के आसपास की स्पीड से बॉलिंग कर सकते हैं और कगिसो रबाडा के कहने पर इन्होंने ये रिप्लेसमेंट किया है। इसके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स ने रायन हैरिस को अपना बॉलिंग कोच भी बनाया है। तो डीसी यहाँ पर अपनी रिप्लेसमेंट की जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुकी है। बात करते हैं दूसरी टीम की और ये टीम है केकेआर की। दरअसल अगर केकेआर की बात की जाए तो इनके पास दो रिप्लेसमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल थे और उनके साथ ही प्रवीण तांबे जो कि किसी और लीग में खेलने के लिए चले गए थे। और बीसीसीआई का रूल है कि बीसीसीआई की परमिशन के बिना अगर आप लोग आईपीएल खेलते हो तो आप किसी भी लीग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और यही वजह है कि प्रवीण तांबे आईपीएल से बैन कर दिए गए हैं। वो इस बार आईपीएल 2020 का पार्ट बनते हुए हमें नजर नहीं आने वाले हैं और इनकी जगह जो रिप्लेसमेंट की बातें निकलकर सामने आई हैं उसके हिसाब से यूसुफ पठान से ये टीम लगातार कांटेक्ट में है क्योंकि यूसुफ इनके लिए पहले भी खेल चुके हैं और काफी धमाके कर चुके हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि यूसुफ पठान किसी भी तरीके से इनकी टीम में आ जाएं और प्रवीण तांबे की कॉस्ट पर अगर वो आते हैं तो इनको काफी ज्यादा फायदा यूसुफ पठान की रिप्लेसमेंट से हो सकता है। बढ़ते हैं अगली टीम की तरफ जो कि है आरसीबी की टीम। अब अगर आरसीबी की बात की जाए तो इनकी सबसे बड़ी दिक्कत थी इनकी फॉरेन प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी को लेकर, क्योंकि जो इनिशियल रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स थे वो यहां पर आईपीएल में पहले 1 से 2 वीक मिस करने वाले थे, लेकिन अब नई गाइडलाइंस के हिसाब से उनको क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा जिसकी वजह से वो सीधे आकर अपने टेस्ट दे पाएंगे और उनमें नेगेटिव होते ही वो अपनी अपनी टीम्स को ज्वाइन कर पाएंगे। तो इस केस में आरसीबी को दिक्कत लेने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स भी आ चुके हैं, उनके साथ ही इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स भी आ जाएंगे। तो एरन फिंच, मोइन अली, केन रिचर्डसन जितनी भी आरसीबी की दिक्कत थी जिनकी वजह से उनको रिप्लेसमेंट की जरूरत थी वो अब उनको नहीं पड़ेगी। तो आरसीबी अब लग रहा है कि यहां पर कोई भी रिप्लेसमेंट फिलहाल नहीं करने वाली है। तो ये सारी रिपोर्ट निकल कर आई है रिप्लेसमेंट के हिसाब से। वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे कर सकते हैं लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।